अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास, हम एक्सरसाइज 6.12 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। एक्स माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू एल और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इजिकल टू एम क्यूब। एक्स माइनस वन बाई एक्स हमारे पास एल के इक्वल है, इसे हमने 1 दे दिया और इसे हमने 2 दे दिया। अब हमारे पास पहले तो हमारे पास स्क्वायर के क्वेश्चन थे, अब हमारे पास क्यूब के क्वेश्चन आ गए हैं। तो क्यूब ले लें हम दोनों तरफ, एक्स माइनस वन बाई एक्स का क्यूब ले लिया इजिकल टू एल क्यूब। ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, हमने एक्सरसाइज में पीछे पढ़ा है। और इसका क्यूब ले लो तो एल क्यूब आ गया। देखना a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, तो वही हमने फार्मूला लगा लिया। ये x और ये x से कट गया, 3 रह गया, ये x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास एल है, वो हमने इसकी जगह पर आ गया नेक्स्ट पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 3l आ गया, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इजिकल टू एल क्यूब। ये माइनस 3l है इक्वल टू जाकर प्लस 3l हो जाएगा, हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, वो एम क्यूब इजिकल टू एल क्यूब प्लस 3l। तो ये l प्लस है इक्वल टू जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इक्वल टू जाकर माइनस 3l हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू पी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो हमने पी का रखा तो हमने दोनों का स्क्वायर ले लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो एक्स और 1 और एक्स कट के इजिकल टू पी स्क्वायर। एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र ये माइनस 2 इक्वल टू जाकर प्लस 2 हो जाएगा, पी स्क्र प्लस 2। दोनों देखे एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र इक्वल है, तो दोनों को हमने पी स्क्र प्लस 2 को हमने किस इक्वल कर लिया, 2 क्यू स्क्र इक्वल कर लिया। कंपेयर किया तो ये प्लस 2 है, इधर आकर माइनस 2 क्यू स्क्र हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आकर हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन में एक्स नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र इजिकल टू 3m स्क्र, एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स 4 इजिकल टू n 4। उसी तरह एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र को हमने 3m स्क्र की इक्वल कह लिया, और एक्स 4 प्लस 1 और एक्स 4 को हमने n 4 की इक्वल कह लिया। स्क्र हमने इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का हम स्क्र लेंगे, तो एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र का हमने स्क्र लिया, और ये 3m स्क्र का भी होल स्क्र ले लिया। ये एक्स 4 प्लस 1 और एक्स 4, क्योंकि जब इसका स्क्र ले लेंगे तो ये 2 2 4 बन जाएगा, ये प्लस 2, इसमें भी एक्स स्क्र और नीचे 1 और एक्स स्क्र रहेगा, वो एक्स स्क्र से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ प्लस 2 रह जाएगा। ये 3 3 9, ये 2 2 क्या बन जाएगा, जब एम स्क्र का स्क्र ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स 4 ये प्लस 2 एक और जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 है और 3, इन्हें हमने कंपेयर कर लिया, तो 9 है, क्योंकि ये भी एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की इक्वल है, ये भी एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की इक्वल है। तो ये हमारे पास 9m4 माइनस 2 इजिकल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, n4 की इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो हमारे पास वेरिएबल है उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस n4 है इक्वल किस तरफ आकर हमारे पास माइनस n4 हो जाएगा, ये माइनस 2 है इक्वल किस तरफ आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर आ गया। अब देखें इसमें हमारे पास x नहीं है, तो इसका मतलब है x हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट हो गया।